बूंदी में चाकू मारकर अध्यापक की हत्या करने से जुड़ी खबर, पुलिस ने एहतियात के तौर पर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि आज मृतक अध्यापक मनीष मीणा का पोस्टमार्टम किया जाना है। भारी संख्या में पुलिस बल और परिजन जिला अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मृतक अध्यापक मनीष मीणा का पोस्टमार्टम, चाकू मारकर अध्यापक की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अस्पताल को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि माहौल जो है वो और ज्यादा ना गर्मराए। चाकू मारकर अध्यापक की हत्या कर दी गई थी। मीणा समाज में या फिर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, परिवार है, बेहद आक्रोशित, बेहद गुस्सा, और इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद, क्योंकि घटना तो हो गई है। ऐसे में न्याय की मांग की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुस्सा आक्रोश यहां पर नजर आ रहा है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया है और फिलहाल मृतक अध्यापक मनीष मीणा का पोस्टमार्टम किया जाना है। मृतक मनीष मीणा के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें हमने हत्या और अनुसूचित जाति जनजाति जैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जा रहा है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। जो भी नामजद और संदिग्ध आरोपी हैं, उनकी तलाश में विभिन्न टीमें हमने रवाना कर रखी हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सोगी भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भवानी, एक बार फिर से सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे। दूसरी तरफ अभी क्या पोस्टमार्टम हो गया है या अभी प्रोसेस चल रहा है? बाहर कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर अपडेट ये खबर है कि जो जिला अस्पताल है, यहाँ पे परिवारजन और समाज के लोग एकत्रित है। वहीं करीबन आधा दर्जन से ज्यादा थाना अधिकारी अपने थाने की जाब्ते के साथ यहाँ मौजूद है, यानी कि छावनी में तब्दील जिला अस्पताल हो चुका है। और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सबसे पहले पुलिस का प्रथम दृष्टिया यही है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। परिजनों की भी यही मांगे कि आरोपियों को गिरफ्तार करें। जैसा कि रात को हंगामा हुआ और सड़क जाम भी कर दिया था, लेकिन अभी आरोपी पुलिस के पहुंच से दूर है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित करके रवाना कर दी है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो परिजन जो है अपनी मांगों पर अडिग है। विधायक हरिमोहन शर्मा भी परिजनों से मुलाकात करके गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा जो है पूरी निगाह बनाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो टीमें गई है वो आरोपियों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ज्यादा बड़ा मामला नहीं था, कोई पुराना विवाद नहीं था। एक मामूली कहा सुने के बाद में जो अध्यापक है मनीष, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी बात परिजनों में आक्रोश भी है। जी, जाहिर सी बात है। चलिए, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। भवानी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।